आज भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मंडल आज महामहिम राज्यपाल के पीछे करो ना जी, मोबाइल पीछे करो, मोबाइल पीछे करो आकाश, हाँ झारखंड के बिचौलियों के द्वारा चलाई सरकार के संदर्भ हम लोगों ने एक ज्ञापन देने का काम किया। नीचे करो ना तुम्हारे, हम सब जानते हैं कि श्रीमान बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष के नेता ने कल एक वीडियो क्लिप जारी किया था, नीचे और उस वीडियो क्लिप में स्पष्ट रूप से है मुख्यमंत्री के तत्काल जो पीएस जो कहा जाता है राजीव अरुण एक्का ने एक ऐसे बिचौलियों के घर में बैठ करके सरकारी कार्य का और सरकारी फाइल का निष्पादन किया था जो घोर आपत्तिजनक थोड़ा, और हम कह सकते हैं ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के धारा 700 से लेकर के 7 से 13 तक का उल्लंघन है। ये हम कह सकते हैं ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का 3 का भी उल्लंघन है। इसलिए हम सब लोग फरियाद करने के लिए आए कि वो राजीव अरुण एक्का जिस बिचौलिए के यहाँ बैठ करके गलत काम करवा रहा था और पैसे असूल रहा था वो किसके इशारे पर इस प्रकार के काम को कर रहा था। राजीव अरुण एक्का को सरकार ने मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री के जो पद था उनके पीएस का उसको हटाने का काम किया और उनकी पोस्टिंग दूसरे जगह करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है और ये उल्लेख है कि ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार इस मामले को रफा दफा करना चाहता है, सरकार पूरी तरह से इस मामले पर संज्ञान नहीं ले रही है और सरकार के द्वारा ये संपोषित भ्रष्टाचार है, सरकार के मुखिया के द्वारा ये इशारे पर यह भ्रष्टाचार की कथा लिखी जा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी चुप है, मुख्यमंत्री जी एक भी शब्द का इस पर बयान देने से बच रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल आज महामहिम राज्यपाल से मिलकर के अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए आई है। 3.5 करोड़ जनता की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और इसलिए महामहिम के पास आकर हम लोगों ने गुहार लगाने का काम कि इस प्रकरण की जांच सीबीआई से हो, राज्य सरकार को निर्देशित करे महामहिम राज्यपाल और पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।